जी, फिशरीज सेक्टर सिंध का एक प्रोमिनेंट सेक्टर है। शायद लोगों को इस बारे में इतना पता नहीं है। ये फिशरीज डिपार्टमेंट न सिर्फ जो कुदरती हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डील करता है, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जितने भी मछली झींगे के या केकड़ों के तालाब बनाए जाते हैं उसकी सारी टेक्नोलॉजी यही डिपार्टमेंट करता है। और इसी तवसुस से डिपार्टमेंट जो है इन लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पब्लिक हैचरीज से सब्सिडाइज रेट पे सीड भी देता है, उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि, क्योंकि ये मछली का पालना ये दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ है, एग्रीकल्चर से मुख्तलिफ है, लाइफ स्टॉक से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो दिखने में आती हैं ज़मीन पे। मछली क्योंकि पानी में पाली जाती है और ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं तो इनको पालना भी कुछ अलहदा होता है और इनको रखना भी कुछ अलहदा होता है। ये एक प्योर एक किस्म की एक नेचुरल साइंस होती है और ये हर बंदा नहीं जानता जब तक उनको हम कोई नोहाव ना दें, उनको नॉलेज ना बताएं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दें। क्योंकि मछली आम बकरी या भैंस की तरह ऐसे तो नहीं है, उसको घास डाल दिया खा जाएगी, तो उसके खाने के तौर तरीके भी अलहदा होते हैं। क्योंकि जब मछली पानी में पाली जाती है तो पानी के जो इन्वायरमेंट है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि इसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, इसकी पीएच क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिंध में प्रोवाइड कर रहा है। यही नतीजा है कि 1984 से पहले सिंध में एक भी मछली का तालाब नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई 4,000 से ज़्यादा हमारे पास तालाब हो गए हैं और जितनी मछली भी आप रोहू है या कोई और फ्रेश वाटर की स्पीशीज मार्केट में देखते हैं ऑलमोस्ट ये 85-90% इन फार्म से आ रही है। न सिर्फ ये मछली हमारी ज़रूरत पूरी कर रही है, हम मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इससे जो जुड़े लोग हैं उनका एक एनवायरनमेंट का ज़रिया, उनका एक रोज़गार का ज़रिया भी है। रोज़गार के ज़रिए के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी है। जो वो ज़मीन जो किसी काम की नहीं है, बंजर है या जिसमें पानी खड़ा हुआ है, लो लाइन है, उसको कन्वर्ट करके हम प्रोडक्टिव साइड पर ले आते हैं, उनको लोगों को एडिशनल प्रॉफिट होता है। और मछली पालना इसका जो इनकम होती है ये दुनिया में जो हाई इनकम बिजनेस होते हैं उनमें होती है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा होती है ये, सम टाइम जो है हमारे क्या कहते हैं ऑर्चर्ड से भी ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दो जो हज़र्ड होते हैं जिनको ओवरकम किया जाता है, इसको चोरी से रोका जाए, पानी का क्वांटिटी तालाब में प्रॉपर रखी जाए और इनका ख्याल रखा जाए तो ये बेहतरीन प्रोडक्शन देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि सिंध पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहा है फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर में। और फ़िशरीज़ के जितने भी रिसोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो 71% रिसोर्सेज प्रोविंस ऑफ सिंध के पास हैं। तो इसी हिसाब से ये सिंध को नाज भी है ख़ुद पर कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इस सेक्टर में। अच्छा, अभी जो इजलास चल रहा है आप लोग का वर्ल्ड बैंक से, उसमें क्या पेशरफ हुई है, क्या बेहतरी आई है ये फ्लड के हवाले से या एग्रीकल्चर या फिशरी के हवाले से, क्या उसमें आप लोग ने मामला तय किया? ये एक नया प्रोजेक्ट है आलमी बैंक ने सिंध गवर्नमेंट के तआवुन से लॉन्च किया। ये अभी अपने इनिशियल फेज में, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसके अच्छे नतज आएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरे एक्वाकल्चर सेक्टर को, मछली पालने को ट्रांसफार्म कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जितनी भी हमारे यहाँ मछली पाली जाती है तो हम एक एकड़ पे कोई 350 के करीब दाने डालते हैं और इस प्रोजेक्ट के बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन सिस्टम भी बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि 350 की जगह पे हम कोई 3,500 से 10,000 तक दाने पर एकड़ पे रख सकेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा और एक विंडो ओपन होगा एक्सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान को वैसे ही फॉरेन जो रिमिटेंस है उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें अच्छे खासे जो हैं पैसे आ जाएंगे। वैसे भी हमारी वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट है कि ये सिंध फिशरीज़ डिपार्टमेंट को अगर स्ट्रेंथन किया जाए
तो ये तकरीबन कोई 4-5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स वो अब बांग्लादेश से ज़्यादा हैं, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त दुनिया के कोई 10 बेहतरीन ममालक में है कि उसका एक्वा कल्चर इतना बढ़ गया है, वो अरबों डॉलर कमा रहा है। इसी हिसाब से वियतनाम को देखा जाए तो वो सिर्फ एक मछली बंगेशस से कई अरब डॉलर कमा रहा है। और हमारा तो इन्वायरमेंट और यहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि पूरा साल हमारा सनलाइट होती है, पूरा साल हमारे पास हवा होती है, हमारे पास ज़मीन है, हर चीज़ है। क्योंकि हमारे पास फाइनेंस ना होने की वजह से हम इस सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए, तो वर्ल्ड बैंक ने हाथ बढ़ाया है, हम उनके साथ है। जब इनकी फाइनेंस आएगी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को भी उन 10 ममालिक में ले जाएंगे जहाँ दूसरे ममालिक है। आइंदा सालों में पाकिस्तान भी उन चंद गिने हुए मुल्कों में शामिल होगा जहाँ एक्वा कल्चर मछली की पैदावार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जो न सिर्फ हमें यहाँ लोगों को भी मुहैया करेंगे क्वालिटी फिश, बल्कि ये दुनिया के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जाएगी और टेक्नोलॉजी में भी हम सस्टेनेबल हो जाएंगे और ये मुल्क कई गरीब मुल्कों को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दौरों में फिशरी डिपार्टमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम फेस आ रही है, हम बहुत ममालिक से काफ़ी पीछे हो चुके हैं? ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। 72 साल के अरसे में जब से पाकिस्तान बना या 73 साल, उसमें इस डिपार्टमेंट पे वो ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये गरीब लोगों का डिपार्टमेंट है और इसमें कोई ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व ना होते थे। तो फिशरीज़ का नाम सुनते ये कहते थे कि मल्लाहों का और इनका डिपार्टमेंट है, मच्छरों का। ऐसी बात नहीं है, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन एक्वाकल्चर साइड पर हो रही है तो पाकिस्तान में जितने भी आप बड़े लोग देखते हैं रूरल एरियाज़ में, ये सारी इनकी इनकम ज़्यादातर मछली से आती है बनस्बत कंपेयर टू एग्रीकल्चर से। क्योंकि पहले हमारे डिपार्टमेंट में शायद कोई लॉबिंग का सिस्टम इतना नहीं था, इतने पढ़े लोग जो बड़ी पोस्टों में नहीं पहुँचे थे, तो उनकी वो अप्रोच भी नहीं थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशन किया जाए या उस वक्त की लीडरशिप है उसको कायल किया जाए कि भाई ये डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉरेन में पढ़ा हूँ, फॉरेन से मैंने पीएचडी की है, मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया है। जब मुझे दोस्तों ने कहा, क्योंकि इससे पहले मैं बाहर ही था, जब मैं यहाँ आया तो मुझे यही कहा गया कि आप आए जो बाहर खिदमत करते हैं अपने मुल्क की करें, तो मैंने ये एक टास्क कबूल किया और इसी टास्क को बुनियाद बनाते हुए मैंने अपने पिछले 5-6 साल के अरसे में इस डिपार्टमेंट में पहले 3 डायरेक्टर से मैंने उसको बढ़ा के जो है तकरीबन कोई 19 डायरेक्टर किए। मैंने एक डीजी था, मैंने एक और डीजी लेके मेरीन का डीजी अलहदा करके हमने 2 डायरेक्टोरेट जनरल बना ली ताकि काम जो है ईजीली हो जाए, और यही नतीजा निकला। और ये मैंने डेवलपमेंट में स्पेशली ध्यान दिया। पहले हमारे पास कोई 2-3 फिश हैचरियाँ वो पार्शली चलती थी, कभी नहीं चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम हैचरीज़ को मैं ऊपर ले आया हूँ, अभी मेरे पास 15 फिश हैचरीज़ है और हमने तारीख में सबसे ज़्यादा इस साल जो है प्रोडक्शन 547 मिलियन को क्रॉस किया, जो हमारा टारगेट था, और अगले साल होपफुली हम इसको और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने न सिर्फ ये मछली का बीज प्राइवेट फार्मर्स को दिया और अपने हमने पब्लिक वाटर जैसे में भी किया, किंजर में डाला, रिवर इंडस में डाला, मंचर में इस बीज को स्टॉक किया, चोटियारू रिजर्वायर में डाला। उसका नतीजा ये निकला कि सिंध में इस वक्त वाफर मकदार में मछली अवेलेबल है और तारीख में पहली मरतबा हुआ कि मछली जो है पोल्ट्री के गोश्त से सस्ती हो गई। वो सिर्फ इसलिए हुई कि हमने उसको मैनेज किया, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैनेज न की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस डिपार्टमेंट को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। आइंदा ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट न सिर्फ इस मुल्क की ज़रूरत पूरा करेगा बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को भी हम अपनी प्रोडक्शन सेल करेंगे,
और उसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज में भी हम बढ़ेंगे। और मेरे डिपार्टमेंट में तमाम दूसरे डिपार्टमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा पीएचडीज और फॉरेन रिटर्न मेरे पास है, क्योंकि मैंने यही किया कि जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट फील्ड में नहीं होंगे तो आपका डिपार्टमेंट कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट को साइंटिफिक बेस्ड पे जो अरेंज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम चले भी जाएं तो पीछे मैन पावर की कमी नहीं होगी। लोगों को ट्रेन कर लिया गया है और इंशाल्लाह ये दिन ब दिन डिपार्टमेंट और आगे बढ़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मेरी काफ़ी यंगस्टर से बात होती है, यूथ से बात होती है, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें ऐसे मौके नहीं मिलते या हमें इतनी अवेयरनेस नहीं मिलती कि हम ये काम में आए, क्योंकि फार्मिंग पोल्ट्री में काफ़ी यंगस्टर आ चुके हैं, यूथ आ चुके हैं, अब वो फिशरी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने क्या कोई ऐसा लायमल तय किया है या अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं जिनसे उनको अवेयरनेस हो? जी हाँ, बिल्कुल, उसके लिए हमने किया है। हमने अपने दो जो हैं ट्रेनिंग सेंटर पहले अबंडेंट पड़े हुए थे, हमारी एक चिल्लिया पे हेचरी होती थी फिश हेचरी, अपर लोअर सिंध फिश हेचरी, उसको हमने चेंज कर दिया है सिंध फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सफारी के नाम से, उसको हमने इक्विप कर दिया है। वहाँ जो हमारा हॉस्टल है ट्रेनिंग सेंटर का, उसको हमने रिनोवेट कर लिया है और वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर दी है। ऑन साइट जो है ट्रेनिंग, न सिर्फ हम लोगों को बाहर जो हैं फार्मर्स हो या जो विलिंग हो उनको दे रहे हैं, बल्कि सिंधी यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एक्वाकल्चर में या फिशरीज़ पे वो रिसर्च करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ या अकेडमिया के पास इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं होते, हेचरियाँ वो नहीं बना पाते। तो सिंधी यूनिवर्सिटी तो हमारा MOU भी है, तो इस हिसाब से उनके जितने भी ग्रेजुएट हैं वो अप्लाइड रिसर्च हमारे पास करते हैं, तो इसलिए जब ये रिक्रूटमेंट होती है तो हमें ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट से ही ट्रेंड होते हैं, जब आके पोस्टों में बैठते हैं तो उनको हमें फर्दर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैंने अपने दौर में जो है कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस हिसाब से हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो भी लोग ट्रेनिंग करना चाहें हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे सेंटर हैं, क्योंकि ये गैप इसलिए आ जाता है कि लोग शायद वो भूल जाते हैं कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, वो किसी हमारे ऑफिसर से मिलें तो उनको बताएंगे कि फ़लाँ जगह ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग के ऑफिसर से मिलें या हमसे मिलें। जैसे हम अखबारात में देते हैं कि ट्रेनिंग हमारी होती है, बदकिस्मती से लोग आजकल अखबार पढ़ते नहीं हैं, ये इंटरनेट का दौर है, तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो ज़्यादातर कंट्रोल करता है IT डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ें उस पर नहीं चढ़ जाती, इसलिए हम अपनी अलहदा से एक वेबसाइट और डैशबोर्ड बना रहे हैं। आइंदा कोई भी एक्सेस करेगा तो उनको वेन्यू, टाइम, साल में कितनी मरतबा ट्रेनिंग होती है, तो इंशाल्लाह ये कुछ हफ्तों या महीनों में ये वेबसाइट जो है ऑनलाइन हो जाएगी, तो ज़्यादातर ये जो गैप पे जो आपने बताया इसको भी हम कवर कर लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह डी साहब ने बताया माशाल्लाह, अल्लाह इनको मज़ीद कामयाब करे, इनकी बहुत सी एफ़र्ट्स हैं और आगे भी इनकी इंशाल्लाह मदद होती रहेगी। मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली लाड़िक, मैं डायरेक्टर फिशरीज़ हैचरीज़ एंड ट्रेनिंग हूँ। हमारा काम जो है वो तो सिंध में जितनी भी पब्लिक हैचरीज़ हैं उसको मुझे देखना होता है, और जो फिशरीज़ के हवाले से ट्रेनिंग होती हैं हम वो भी कनेक्ट कराते हैं। हमारे जितने भी तकरीबन सिंध में 11 हैचरी हैं जो फंक्शनल हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीड, फिश सीड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें रहू, मोरी, थेला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, चाइनीज़ कार्प और कैट फिशेज़ के अलावा तिलापिया और भी स्पीशीज़ भी, ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ भी हम वहाँ पे ब्रीड करवाते हैं।